A unique farewell of a bride was witnessed in Meerut, where the groom took his bride in a helicopter to her in-law's house as a surprise gift. Here, Lokind, a resident of Bulandshahr who is a pilot in Australia, got married to a girl from Roorkee, after which both of them had a grand wedding in Meerut, during which the groom gave her the farewell gift as a surprise. मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और ये मेरा सरप्राइज था ईशांशी के लिए बिकॉज शी इज़ अ कमर्शियल पायलट एंड या आई थॉट इट बी अ गुड आइडिया। अच्छा, ये क्या पूरा प्लान करा आपने और कहाँ से आइडिया आया, थोड़ा सा ये बताया। प्लान मेरा और फैमिली का था, बट ज़्यादा अरेंजमेंट्स बड़े भैया और पापा ने करे एंड वी आर हैप्पी कि सारा कुछ टाइम पर हुआ एंड द होल Bride's family is very excited. ये बताइए कि मेरठ से कहाँ की तरफ जाएंगे? बुलंदशहर जी। तो लोग तो ये सोचते हैं कि कार में लेके जाए, लग्जरी कार में लेके जाए, आपने हेलीकॉप्टर ही क्यों चूज किया? जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्मल लोग कार लेते हैं, मेरी भी स्पेशल है, शी इज अ कमर्शियल पायलट, तो कमर्शियल पायलट तो हेलीकॉप्टर डिजर्व करती है। एंड इट वाज माय वेडिंग यस्टरडे एंड दिस इज अ स्पेशल विदाई अरेंज्ड बाय माय हस्बैंड Now husband, Lokind Pratap Singh Solanki, and it is really special क्योंकि it was a surprise for me. मुझे सुबह पता चला आज जब मैं विदाई के लिए रेडी हो रही थी कि अब अच्छा विदाई होने वाली है, तो मेरे को पता चला कि अच्छा अभी नहीं हो रही है, पूरा अरेंजमेंट किया है मेरे लिए, तो it was really nice. The video of the bride's farewell from the helicopter has now become the topic of discussion on social media as well. People also flocked there to see the farewell from the helicopter.